तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एन अनदर वीडियो। तो कैसे हो सभी, उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में हम फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर के आए हैं। एंड आज हमने डियोडेप से मंगाया है पोर्टेबल मिक्सर ब्लाइंडर, जो कि हमको लगभग 200-300 रुपए का पड़ा है। कितने का पड़ा है मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं करता है, हमारे लिए क्वालिटी एंड जो इसका वर्क है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसको इस पैकेज से बाहर निकालते हैं। ओके, तो पैकेजिंग के अंदर एक और पैकेजिंग है। एंड चलिए अभी तो इसको ओपन करते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या सीन है। ये रिप्लेसमेंट से आया हुआ लग रहा है। ओके, तो हमने साइज़ वो काफ़ी बड़ा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन साइज़ काफ़ी छोटा है जैसा कि वेबसाइट पर दिखाया गया था। ओके, तो कुछ इतना इसका साइज़ है। एंड यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो मेरे हैंड से। ओके, तो कुछ ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़िया है। 200-300 रुपये के लिए तो काफ़ी अच्छा है। एंड वेट भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन तो नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है, डबल ढक्कन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छन्नी जैसा कुछ है। एंड यहाँ पर इसका ढक्कन एंड क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छा है, गुड क्वालिटी। एंड देन इसके अंदर है एक स्टिकर। एंड इसके पीछे यहाँ पर इसके जो किस प्रकार यूज़ करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। एंड एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, इसके साथ में एक चार्जिंग केबल भी आया है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है। एंड ये है हमारा मिक्सर। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करके देखते हैं, ये चार्ज है या वो नहीं उसका भी कुछ पता नहीं है। ये ऑन कैसे होगा वो भी पता नहीं है अभी। तो आई थिंक ये चार्ज नहीं है, इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग बोर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉक किया गया है। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट है वो अनलॉक हो चुका है। तो आई थिंक पहले इसको मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। एंड देन फिर से आते हैं वीडियो में। तो ये चार्ज हो चुका है। तो सबसे पहले आप इसका जो मिक्सर का ब्लेड है वो देख सकते हो, 6 ब्लेड इसमें लगाए गए हैं। काफ़ी करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बाद में वैसे सूट करके भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। तो ब्लेड कुछ इस प्रकार से हैं। एंड अभी मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसका ऑन का कुछ प्रॉब्लम है, अभी तो ऑन हुआ था लेकिन अभी फिर से नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये ऐसे ही वर्क करता होगा, मेरे को यूज़ करना नहीं आया होगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसके जो रूल है वो पढ़ने पड़ेंगे आई थिंक। तो अभी इसका जो सीन है वो समझ में आ चुका है मेरे को। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है डबल क्लिक टू स्टार्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसको ओपन करके भी। तो यहाँ पर ये ऑन है, तो स्पीड तो इसकी काफ़ी अच्छी है। चलिए इसमें कुछ कट करके देखते हैं, कुछ कटिंग होती है या नहीं। तो हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ काजू। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो सब कुछ अपने को देखने को मिल जाएगा कि कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए इसको डालते हैं अंदर एंड देन इसको बंद करते हैं। एंड यहाँ पर इसका ऊपर का ढक्कन है वो भी लगा देते हैं, वरना कहीं इस पर स्प्रे ना हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो ब्लेड है वो काफ़ी छोटा है एंड इसको कट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, शायद मेरे को और काजू इसमें ऐड करने से। ये वैसे कटिंग तो अच्छी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कटिंग नहीं हो रही, लेकिन इसके जो ब्लेड है वो काफ़ी छोटे हैं एंड इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें कटिंग का ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एंड इसका जो पावर एंड जो ब्लेड है वो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक दोबारा ट्राई करते हैं एंड इस बार हो गया। तो फाइनली अपनी जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि कैसी हमारी कटिंग हुई है। काफ़ी अच्छी कटिंग देखने को मिल रही है। अगर आपको शेक बनाना है आपका काम आसानी से बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो क्वालिटी है वो कुल मिलाकर के काफ़ी बढ़िया है, मेरे को पसंद आया। 5 में से 5 रेटिंग में देना चाहूँगा, क्योंकि 200-300 रुपये में आपको और क्या ही मिलेगा। एंड यहाँ पर से भी ये अनलॉक होता है, मैं यहाँ पर आपको इसको भी अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये ऊपर का पार्ट अलग है एंड यहाँ पर नीचे का जो मिक्सर है
वो अलग है। एक बार फिर से मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।